हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ हेडेक के नए अपडेट के बारे में। उसमें मैं आज आपको बताऊँगी न्यू लैंड एक्सपेंशन के बारे में कि कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें 24 एरिए जो हैं वो नए खुलेंगे। ये एरिया यहाँ खुलेगा, 24 एरियाज़ हैं, उसमें से कुछ एरिया तो आपको मैक्सिमम आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो बड़ा एरिया है ये यहाँ खुलेगा और दूसरा कुछ एरिया यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे जब ये यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे करीबन 12 डेकोरेटिव न्यू आइटम जो हैं वो भी इस एरिया में रखे हुए होंगे, जो कि हमें इस लैंड एक्सपेंशन को खोलने पर हमें फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा और नई चीज़ जो इसमें ये आने वाली है कि हम अभी तक जो है वो जितना चाहें उतना एक्सपेंडिंग मटेरियल जो है वो ख़रीद सकते थे, पर अब सुपर सेल कंपनी ने एक रूल कर दिया है कि हम 80 से ज़्यादा आइटम नहीं खरीद पाएंगे। इससे ज़्यादा न तो हम सेल कर पाएंगे और न ही हम इससे ज़्यादा हम बाय कर पाएंगे। इसके अलावा नेबरहुड रिक्वेस्ट में भी हम एक बार में 3 आइटम जो है वो ले सकते हैं, एक्सपेंडिंग आइटम जो है वो ले सकते हैं, और वो 8 घंटे में एक बार ले सकते हैं। अगर हमें जल्दी लेना है तो हमें एक डायमंड का एक ऑप्शन भी आएगा, तो हम उस डायमंड के ऑप्शन से उस चीज़ को जल्दी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखें तो एक दिन में जो है वो हम 3 बार सामान जो है एक्सपेंडिंग आइटम्स जो हैं वो ले सकते हैं, और डायमंड की हेल्प से हम थोड़ा उसको जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू अपडेट आने वाला है उसमें ट्रक फास्टर होगा, और टॉम के बारे में भी सुना है कि टॉम भी बहुत फास्टर हो जाएगा थोड़ा। अब उसका टाइम का एक्चुअल में पता नहीं है, अभी तक मुझे पता नहीं लगा है कि उसका टाइम कितना होगा, पर जो टॉम है वो भी फास्टर हो जाएगा और ट्रक जो है वो भी फास्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।